कोरोना संकट के बीच रिश्वत लेते पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल। इन दिनों बिहार के अररिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस कर्मी किसी से घूस के रूप में रुपए लेते नजर आ रहा है। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। वीडियो रानीगंज थाने में पदस्थापित ASI दूधनाथ सिंह का है। उनके द्वारा जमीन नापी कराने के नाम पर 15,000 की मांग की गई, लेकिन आवेदक के द्वारा सिर्फ 5,000 दिया जा रहा है। लॉकडाउन जब खत्म होगा इसको क्विक में कीजिएगा। पाँच अभी दिया गया है, रेस्ट वो एक दो दिन तीन दिन का टाइम दिया है, वो ला के दे देगा तीन चार दिन में, तुरंत ला के दे देगा। वो उसका लॉकडाउन के बाद काम खत्म कर दीजिएगा सर। इसको कब तक एक चार पाँच घंटे पंद्रह 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 सोलह तक दे देंगे, पंद्रह तक दे देंगे। और कितना देंगे? उसको भी देंगे तब तक सैलरी होगा। मैं उसको दे दीजिएगा, उसको भी संतुष्ट करना जरूरी है। मामले को लेकर जिले में हलचल है। एक तरफ लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मी का सम्मान फूलों से कर रहे हैं, वहीं इस तरह का मामला सामने आने से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि हम लोगों ने भी वीडियो देखा है। मामले में थाना इंचार्ज को जांच के आदेश दिए गए हैं। वीडियो हमने भी देखा है और प्रथम दृष्टिया तो स्पष्ट है वीडियो में, लेकिन अन्य पहलू पर भी छानबीन नहीं किए, जांच कर लेते हैं और इस तरह की जो भी कृत्य है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अनुशंसित किया जाए। रानीगंज में सब पहले भी जब के वीडियो पैसा लेने का वायरल हुआ, इंस्पेक्टर का हो चुका है, वीडियो रानीगंज वीडियो है उस पर हो चुका है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज है, केस अनुसंधान अंतर्गत है और विभिन्न पहलुओं पर उसकी जाँच भी की जा रही है और इसमें भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी।